जब जिस्म सेहतमंद होगा तो दिमाग भी सेहतमंद होगा, जब दिमाग सेहतमंद होगा तो मसाइल का हल भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिस्मानी तालीम किसी भी शख्स को इसकी अमली ज़िंदगी के मसाइले हल करने, ज़हनी और जिस्मानी खुद एतमादी पैदा करती हैं। जिस्मानी तालीम कितनी इम्पॉर्टेंट है देखिए, किसी भी शख्स को इसकी अमली ज़िंदगी में, हम जो भी अमाल करते हैं हमारी ज़िंदगी में मसाइल का हल करने, ज़हनी और जिस्मानी खुद एतमादी पैदा करती है। देखिए तो आज़ा की जिस्मानी आज़ा की हरकत उतनी इम्पॉर्टेंट है, खेल के ज़रिए हम वो काम अंजाम दे सकते हैं। खेलों को चार अकसाम में तकसीम किया गया है, खेलों के अकसाम चार है। नंबर एक बड़े खेल मेजर गेम्स, नंबर दो छोटे खेल माइनर गेम्स, इंडोर खेल इंडोर गेम्स, नंबर फोर्थ स्पोर्ट्स यूनिट्स इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी मौजूद होते हैं, 12वां खिलाड़ी एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। क्वेश्चन जब अगर आया क्रिकेट में तो खिलाड़ियों की तादाद पूछे तो हम 11 बोल सकते हैं, और मुकम्मल खिलाड़ियों की तादाद पर जब हमारा जवाब 12 होगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। क्रिकेट खेल में रेफरी, एम्पायर्स और विड स्कोर्स और मावन होते हैं। क्रिकेट में क्या क्या होते हैं? रेफरी, एम्पायर्स और विड स्कोर्स होते हैं। क्रिकेट में पावर प्ले से मुराद 15 ओवर्स तक एक दिन के खेल में 8 खिलाड़ी एक हाल की शक्ल में दायरे में मौजूद होते हैं और 3 खिलाड़ी इस दायरे से बाहर होते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट में पावर प्ले से मुराद 15 ओवर्स तक एक दिन के खेल में 8 खिलाड़ी एक हाल की शक्ल में, यानी क्रिकेट का स्टेडियम सोचिए आप। नेक्स्ट देखिए, डकवर्थ लुईस के उसूल के तहत बारिश के दौरान 20 ओवर्स के होने के बाद खेल को जारी रखना या मुकम्मल करने का फैसला लिया जाता है, ठीक है। एक किसका उसूल है? ये डकवर्थ लुईस का, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। फुटबॉल के खेल में लाइन 110 मीटर लंबी और 75 मीटर चौड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए, कबड्डी का पहले हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ से क्रिकेट का हुआ, अभी फुटबॉल के बारे में हम देख रहे हैं। फुटबॉल में सिर्फ 11 खिलाड़ी खेल में हिस्सा लेते हैं, जबकि हर ग्रुप में 14-16 खिलाड़ी होते हैं। 14 से लेकर 16 खिलाड़ी मौजूद होते हैं ग्रुप में, एक एक ग्रुप में लेके 11 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, ये भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हॉकी हमारा कौमी खेल है, हमारा कौमी खेल कौन सा है? हॉकी है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है और दूसरे उसमें भी आ सकता है। हमारे मुल्क में कैप्टन ध्यानचंद के यौम पैदाइश पर स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। देखो, स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं? कैप्टन ध्यानचंद इनकी यौम पैदाइश के दिन पर हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। इस हॉकी खेल में खिलाड़ियों की तादाद 11+5 होती है, 11 जमा 5 होती है हॉकी में। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की तादाद 12 होती है, 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं और माँ बाकी 5 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं। खो खो खेल में टीम में खिलाड़ियों की तादाद 9 होती है, जबकि सब्स्टिट्यूट 3 खायम मुकाम होते हैं। योगा से मुराद हवा से खमसा के ज़रिए अपने दिल और दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना है। देखिए ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। योगा से मुराद क्या है? अपने हवा से खमसा के ज़रिए अपने दिल और दिमाग को, हवा से खमसा क्या है? हिस्से आज़ा के ज़रिए से दिल और दिमाग को
कंट्रोल में रखना अपनी सोच को। योगा में मुख्तलिफ आसन मौजूद है, इनमें से सिख आसन, पद्मासन, विज्रासन और शव आसन वगैरह है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम कभी हम नहीं सुने थे, लेकिन सिख आसन किसे कहते हैं, ये किस चीज़ का एक हिस्सा है या फिर कहाँ पर मौजूद होता है, कहाँ पर इस्तेमाल में आता है, या फिर किसी भी तरीके से इसका क्वेश्चन बन सकता है। योगा में मुख्तलिफ आसन मौजूद होते हैं जो कि सिख आसन, पद्मासन, विज्रासन और शव आसन वगैरह है। ठीक है, अब इसके चंद सवालात देखते हैं हम। कैरम बोर्ड में इस्तेमाल होने वाला पाउडर, कैरम बोर्ड में कौन सा पाउडर इस्तेमाल होता है? ब्लीचिंग पाउडर, बोरिक पाउडर, टाल्मिक पाउडर, चूने का पाउडर? इसका जवाब है बोरिक पाउडर। कैरम बोर्ड हम जब खेलते हैं तो बोरिक पाउडर का इस्तेमाल करते हैं हम। देखिए वीडियो बहुत तवील होता जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे के सवालात का हल मालूम करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।